to catch every crazy update of bikes, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की अपकमिंग बाइक के बारे में जो इस महीने 27 तारीख को लॉन्च होने वाली है और जिसका कि टीजर वीडियो होंडा ने अपने यूट्यूब चैनल पे ड्रॉप किया है। तो सबसे पहले आप ये टीजर वीडियो देखिए। मार्क द डेट 27th ऑफ अगस्त, द न्यू होंडा इज कमिंग। वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि यहाँ कौन सी बाइक की बात हो रही है। अभी अगर होंडा की जो भी प्रोडक्ट्स BS6 में अवेलेबल हैं, अगर उन्हें आप देखते हैं तो उसमें आपको हॉर्नेट कहीं भी नहीं दिखेगी। और होंडा उन टू व्हीलर्स में से एक है जिन्होंने अपने बाइक्स को सबसे पहले BS6 अपग्रेड देना स्टार्ट किया था। अभी रिसेंटली एक्सब्लेड को भी BS6 अपडेट मिली है और उनकी 160cc लाइनअप में दूसरी जो बाइक है यूनिकॉर्न, उसे भी BS6 अपडेट मिल चुकी है। लेकिन हॉर्नेट जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट एक्सब्लेड से तो ज़्यादा ही पॉपुलर है, उसे अब तक BS6 अपग्रेड नहीं मिली है। ऐसा कहा जा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से इसे BS6 अपग्रेड अब तक नहीं मिला है। तो चांसेस हैं कि ये हॉर्नेट ही होगी लेकिन उसकी अपग्रेडेड वर्जन होगी। दूसरी चीज़ कि अभी से करीब एक डेढ़ महीने पहले होंडा ने इंडियन मार्केट के लिए CBF190R का पेटेंट रजिस्टर कराया था। CBF190R इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल की जाती है लेकिन इंडियन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। तो पेटेंट 190cc की इंजन की रजिस्टर की गई थी इंडियन मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि हॉर्नेट ही आ रही हो लेकिन एक बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ में, क्योंकि जो बाइक आपने टीज़र में देखी है ये हॉर्नेट की जो ओवरऑल डिज़ाइन थीम है उसे कैरी तो कर रही है लेकिन इसमें जो पार्ट्स जो हमने देखे हैं ये थोड़े ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं। लाइक इसमें फ्रंट पे UST फ्रंट फोक्स दिया गया है जो कि गोल्डन फिनिश में है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो टैंक श्राउड्स हैं और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है ये भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। अगर बात करते हैं कि ये बाइक लॉन्च, वैसे तो जो भी सारी चीज़ें हैं ये 27 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये बाइक CBF190R के इंजन के साथ आती है तो ये इंजन कैसी होगी? तो CBF190R की इंजन जो है वो है 184cc की, जो कि एक एयर कूल्ड मोटर है। वो इंजन 16.8 bhp की मैक्स पावर एंड 16.3 न्यूटन मीटर्स की मैक्स टॉर्क डिलीवर करती है। जिसे कंपेयर करें हम दूसरी 200cc बाइक से तो ये पावर फिगर्स जो हैं ये काफ़ी कम है। और ये TVS Apache RTR 200 4V एंड बजाज पल्सर NS 200 से काफ़ी कम है, लेकिन अगर इसी पावर फिगर के साथ इंडिया में इसे लॉन्च किया जाता है तो ये कॉम्पीट करेगी डायरेक्टली हीरो एक्सट्रीम 200R या फिर एक्सट्रीम 200S से, क्योंकि वन बाइक्स में भी आपको ना ही लिक्विड कूल मिलता है ना ही ऑयल कूलिंग मिलता है और उसके भी पावर फिगर बजाज पल्सर NS 200 और अपाचे RTR 200 4V से कम है। तो ये बाइक ऑन सेम लाइन होगी जिस तरह की हीरो की एक्सट्रीम 200R है। अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे UST फ्रंट फोक्स मिलने वाले हैं जो गोल्डन फिनिश के अंदर आएगी और रियर पे मोनोशॉक मिलेगा। ब्रेक्स इसमें पेटल डिस्क ब्रेक्स रहने वाले हैं जो फ्रंट और रियर दोनों पे ही पेटल डिस्क ब्रेक्स होंगे और फ्रंट और रियर दोनों पे ही आपको डुअल चैनल ABS की सेफ्टी मिलेगी, यानी कि डुअल चैनल ABS की सेफ्टी मिलेगी दोनों ही व्हील्स पे आपको यहाँ पे। कंसोल इसमें फुली डिजिटल है जो कि बहुत ही एडवांस है, बहुत से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर फॉर श्योर रहने वाला है। इसकी जो की है ये टैंक पे ही दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट पे ऑल LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो कलर रखा गया है वो मैट एंड ग्लॉस दोनों के ही अंदर है। मैट एंड ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे और जो ये बाइक दिख रही है बहुत ही कूल दिख रही है। बट हमें वेट करना है 27 तारीख तक का और देखना है कि होंडा अपने इस पैकेज में क्या क्या हमें ऑफर करती है। सो वेट फॉर द लॉन्च। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और इस बाइक से जुड़ी कुछ अन्य डिटेल आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड राइड सेफ़।